नमस्कार भाई दोस्तों, बाहर निकलाए हो गए आजादी के अमृत महोत्सव से। ये सबको पता होता है 15 अगस्त को कैदियों को रिहा किया जाता है। एक तरफ लाल किले से जब भाषण दिया प्रधानमंत्री साहब ने तो बोला औरतों की इज्जत होनी चाहिए। दूसरी तरफ जब कैदियों को रिहा करने की बारी आई तो सिर्फ बलात्कारियों को रिहा किया गया। उन 11 कैदियों को रिहा कर दिया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना रखी है और उनको रिहा कर दिया। ये है अमृत महोत्सव, ये है औरतों की इज्जत। पहले भी आपको बताया था, सबको पता है भाई 15 अगस्त वाले दिन रिहा किया जाता है, कैदियों को रिहा किया जाता है। उनको क्यों नहीं रिहा किया गया जिनकी सजा पूरी हो चुकी है? उनका कहीं पर नाम भी नहीं, कहीं पर भी नाम आया हो तो बता दो। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा भाषण दे देते हैं लाल किले से, कभी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इसका तो छोड़िए आप, ये तो छोड़ ही दीजिए। चलो रिहा करने सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है और राज्य सरकार उनको छोड़ रही है, तो ऐसे इज्जत होगी औरतों की कि बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट की फिर क्या वैल्यू बचती है, कोई बताएगा? और जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है बंदी सिंह की, उनका नाम तक भी नहीं लिया जा रहा, क्यों? उन पर राज्य सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया? पंजाब की राज्य सरकार ने एक्शन लेना चाहिए था कि हमारे वालों को भी छोड़ा जाए, जब गुजरात की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अपने दम पे छोड़ सकती है 11 बलात्कारियों को, तो बंदी सिंह को छुड़वा नहीं सकते थे पंजाब वाले? ये क्यों नहीं किया गया? एक तरफ सबको पता है आजादी की लड़ाई में किसका कितना योगदान है, ये बताने की जरूरत नहीं, बार बार बताने से लोगों को तकलीफ होती है कितना योगदान है। जब देश पर आपदा आई थी ना, अपने देश ने 8 करोड़ रुपया इकट्ठा करके दिया था, भारत ने 8 करोड़ रुपया, जिसमें से अकेले पंजाब ने 3.67 करोड़, 46% अकेले पंजाब ने दिया था, और साथ में 252 किलो सोना दिया था, 252 जिसमें 12,000 सिक्के सोने के थे दिया था, सबको पता है। जब यही पंजाब वाले अपना हक मांगते हैं तो ये आतंकवादी हो जाते हैं, क्यों भाई? ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दोहरा रवैया क्यों क्यों अपनाया जा रहा है? एक देश एक कानून यही है क्या? सभी इंतजार कर रहे थे, ठीक है 15 अगस्त आएगी बंदी सिंह को रिहा किया जाएगा, कर दिया, कहीं नाम भी नहीं लिया, और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे रखी सुनाई है उनको छोड़ दिया। तो ये है एक देश एक कानून, यही है एक देश एक कानून, इसी पर चलेगा अपना देश, तो ये तो फिर कोई एक देश एक कानून नहीं है। इसका मतलब जो आपको मैंने कल भी एक वीडियो दिखाया था, वो जो मार रो रही थी वो सच रो रही थी, सच्चाई थी उसके आंसुओं में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे ना जाने कितने होंगे इतिहास के अंदर, आप 1984 को छोड़िए, फिर 1990 पर आ जाइए दिल्ली के अंदर, जब किया गया था सिक्कों के साथ, सबको पता है जिंदा जलाया गया था उनको, ये मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन कोई एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं लोग। लेकिन जो कौम में अपना इतिहास भूल जाती हैं, जो कौम में ये भूल जाती कि उनके साथ हुआ क्या था, समझो वो मिट जाती हैं, और आप मिटने की कगार पर आ चुके हो, मिटने की कगार पर आ चुके आप। जब आपको मैंने कल ही ये दिखाया था, बार बार दिखाता रहूंगा आपको, इंसान तो रहे नहीं, इतना तो कन्फर्म है, इंसानियत तो आपके अंदर बची नहीं है। थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची हो ना, थोड़ी बहुत तो जाग जाओ और अपना इतिहास याद कर लो, थोड़ी बहुत भी बची हो तो। चलते फिरते मुर्दे बहुत अपने देश में, कम से कम जिन कौमों का इतिहास बताया जाता वो कौम तो अपना इतिहास मत भूलो। मतलब के आपने अपने इतिहास को बिल्कुल भुला के एक साइड में रख दिया है, आजादी के अमृत महोत्सव में आप खूब अच्छा आनंद ले रहे हो, यही बात है ना, यही बात होगी। कहीं कोई जिक्र किया हरियाणा की तरफ से, हम बोल देते हैं मेरे को तो पता नहीं क्या क्या इनाम मिलते हैं, क्या क्या टैग मिलते हैं, छोड़ो वो टैग मिलते रहेंगे,
या फिर जो चलता है वो भी भुगत लूंगा। अरे कम से कम तुम तो जग जाओ, या तुम्हारी भी आत्मा मर चुकी है, अपने आप को फिर तुम सिंह बोलते हो, मरी हुई आत्मा वालों में शामिल हो चुके हो बिल्कुल ही। क्या आप अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकते, तो फिर क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? नहीं बोलना चाहते अपने हक के लिए मत बोलो, तो फिर क्यों वो करते हो? फिर इतिहास जब बताया, तुम्हारे को खुद का अपना इतिहास ही भूल चुके हो कि इतिहास क्या है। बार बार याद दिलाते हैं, प्रेशर अपने ऊपर आ जाता है दूसरे टाइप का, उस प्रेशर को भी सहन करने के लिए मैं तैयार हो लिया था, लेकिन तुम्हारा क्या करूं ये बताओ। तुम भी मुर्दा लोगों में शामिल होना चाहते हो तो हो जाओ भाई, फिर किस लिए वो कर रहे हो? कोसते रहो और चलते रहो, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, बस उनको कोसते रहना, चलते रहना, इसी काम में लगे रहना, जिंदगी निकल जाएगी ऐसे ही, ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, ऐसे ही जिंदगी पूरी हो जाएगी। फिर मत लिखा करो, बहुत मेरे को शिक्षा दे रहे थे ना कि दीपक कुमार की जगह दीपक सिंह लिख, क्या सिंह लिखने से क्या कुछ हो जाएगा, क्या तुम्हारा कोई असर पड़ गया तुम सिंह लिखते हो? तुमने कौन सा असर डाल दिया भाई, कौन सा असर डाल दिया सिंह लिखने वालों ने? बड़ा इंतजार था, चलो यार इस 15 अगस्त पे तो बंदी सिंह को रिहा कर दिया जाएगा, क्या वही डाक के 3 पात, चौथा पत्ता लगेगा ही नहीं, और ना ही लगने वाला, इस डाक के ऊपर तो लगने वाला नहीं है। अरे तुम्हारे को वही चाहिए, चलो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे लोग तुम्हारे को पसंद है, ये अपने पास नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों, कहां से सोचा था, चलो कुछ का जमीर जाग रहा होगा, लेकिन मर चुका है भाई, मर चुका है जमीर, बिल्कुल ही मर चुका है। लगे रहो फिर सरकारों को कोसते रहो, चलते रहो, तुम्हारे बच्चे या तो विदेश चले जाएंगे या घर छोड़ के चले, घर खाली, घरों में कबूतर रहेंगे। फिर पहले पंजाब में जा रहे थे, अब हरियाणा में भी जाने लगे, क्या करें, कहीं है ही नहीं रोजगार, करेंगे क्या? लेकिन आवाज मत उठाना, आवाज मत उठाना, चुपचाप सहन करते रहो, चलते रहो, तुम्हारे को हर तरीके से दबा दबा के देख लिया। अच्छी भली एक मुहिम चलाई थी संयुक्त पंजाब एक करो, बस कुछ एक उठे, कुछ एक सोगे, कुछ एक रह गए साइड में, कुछ लगे किसी सरकार को कोसने, कोई किसी को कोसने लगा, यही काम है क्या सरकारों को कोसते रहो? बस जिसका जमीर जिंदा हो ना वही मैसेज करना, बहुत आए मैसेज, बहुत गए मैसेज, ऐसे मैसेज मैंने खूब देखे हैं, जिंदा जमीर वाला ही मैसेज करना। व्हाट्सएप नंबर सबको पता है 9518883630, जिंदा जमीर वाला, मरे हुए जमीर वाले बहुत टकराए, आए हैं गए हैं, ऐसे आते जाते रहते हैं लोग, उनकी ज़रूरत नहीं, भीड़ की ज़रूरत नहीं है, आदमी 10 भी होते ना, अकेले ही थे शहीद आजम भगत सिंह, अकेले का नाम आता है ना, हाँ साथ में राजगुरु सुखदेव सभी थे, लेकिन अकेले का नाम क्यों आता, कुछ किया होगा तभी तो आता है, समय लगता है कुछ करने में। हाँ हमारे लोगों की खासियत ये है कि मरने के बाद याद करते हैं, जिंदा जी कोई याद नहीं करता, ये याद रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, नमस्कार भाई दोस्तों।